Hey friends, please subscribe my channel Studies Lecture by Dubey and press the bell icon to get the notification of my all new videos. Be the first. Good morning everyone. मेरा नाम देवधर दुबे और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल Studies Lecture by Dubey. Friends, हमारा आज का टॉपिक है रोल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन इंटरव्यू. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इंटरव्यू में क्या रोल है ये हम आज जानेंगे. तो जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारा प्रेजेंटेशन क्या है, हमारा बिहेवियर क्या है इंटरव्यूअर के सामने, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस चीज़ से कि हमारा नॉलेज कितना है, यानी हमारा जो नॉन वर्बल पार्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्बल पार्ट के कंपेरिजन में. रिसर्च में भी कहा गया कि जो 93% पार्ट होता है किसी कम्युनिकेशन प्रोसेस का वो नॉन वर्बल होता है, जिसमें से 55% बॉडी लैंग्वेज और 38% पैरा लैंग्वेज और रिमेनिंग 7% सिर्फ वर्बल पार्ट होता है. तो जब हम जाते हैं इंटरव्यू के सामने तो हमारा बॉडी पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन ये सब काउंट करता है. हमारा प्रॉक्सिमिक्स और पैरा लैंग्वेज भी काउंट करता है. ये सब हेल्प करता है हमें कन्विंस करने के लिए इंटरव्यूअर को, इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने के लिए ये सब हमें हेल्प करता है. अगर हम सब हमें इसके इसका नॉलेज है, हम इसमें परफेक्ट है, नॉन वर्बल स्किल हमारी अच्छी है, तो हम इंटरव्यू में सेलेक्ट होने की ज़्यादा चांसेस है. तो इंटरव्यू में हम सक्सेस होंगे फेल्योर होंगे ये हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल पे डिपेंड करता है. हम कैसे बिहेव कर रहे हैं इंटरव्यू के सामने इन्हीं सब पे डिपेंड करता है कि हमारे सक्सेस होगा या फेल्योर होगा, हम सेलेक्ट होंगे या रिजेक्ट होंगे. तो जैसे कि मैंने कहा कि हमारे नॉन वर्बल स्किल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो जैसे इंटरव्यू में हम क्या कहते हैं इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैसे कहते हैं. मतलब आप एक ही चीज़, जैसे इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा आप कहाँ से हैं, तो आपने रिप्लाई दिया सर मैं दिल्ली से हूँ, और वही दूसरा आदमी है आप कहाँ से हैं सर मैं दिल्ली से हूँ, दोनों में एक में कॉन्फिडेंस है, दूसरे वाले में कॉन्फिडेंस है, पहले वाले में कॉन्फिडेंस नहीं है. यानी पहले वाले में स्ट्रेट शोल्डर, आपका शोल्डर डाउन है, दूसरे वाले में आपका शोल्डर स्ट्रेट है, आपने कॉन्फिडेंस के साथ बोला. तो ये दोनों में फ़र्क होता है, यानी आप कैसे कह रहे हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्या किससे कि क्या आप कह रहे हैं. इंटरव्यू में नॉन वर्बल पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. नॉन वर्बल पार्ट होता क्या, नॉन वर्बल होता क्या पहले ये भी हम जान जाए. तो नॉन वर्बल एक ऐसा कम्युनिकेशन का प्रोसेस है जिसमें हम वर्ड नहीं यूज़ करते, यानी हम तीन चीज़ें यूज़ कर सकते हो, सकता है अपने बॉडी लैंग्वेज यूज़ कर सके, प्रॉक्सिमिक्स का यूज़ कर सके या पैरा लैंग्वेज का यूज़ कर सके. इन तीनों के यूज़ से ही हम बातें करते हैं, यानी जो हमारे वॉलंटरली कंट्रोल में नहीं हो सकता लेकिन हमारी हैबिट पर डिपेंड करता है ये सब. तो जो नॉन वर्बल स्किल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इंटरव्यू में इसका रोल क्या है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इंटरव्यूअर में आप इंटरव्यूअर के सामने जाइए, आप इंटरव्यू में जाइए तो आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या डूज़ है क्या डोंट्स है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हम स्टार्ट करते हैं. पहला जो है क्या डू है, पहला जो इंटरव्यू आपको देखता है वो पर्सनल हो आपके अपीयरेंस पे देखता है, यानी आप इंटरव्यू के सामने गए जींस पहन के या फिर ऐसा कुछ पहन के, तो ये क्या होता है ये निगेटिव इम्पैक्ट डालता है. और वहीं आप फॉर्मल्स में गए तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सुना है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. तो आपको पहले ही उसे इम्प्रेस करना है, क्योंकि अगर उसके दिमाग में पहले ही उसका निगेटिव इफेक्ट निगेटिव माइंड में उसका फ्रेम बन गया कि आप ये तो बंदा इस तरह का आया है, निगेटिव माइंड सेट हो गया उसका, तो हो सकता है उसके अंदर बायस आ जाए, फिर इसे हो सकता है उसको प्रिजुडिस हो जाए. प्रिजुडिस मतलब पहले से उसने सोच रखा है कि ये उसको कुछ नहीं आता होगा ये, इसलिए आप हमेशा फॉर्मल्स को प्रीफर कीजिए, फॉर्मल्स पहनिए, आपके बाल हमेशा साफ़ सुथरे रहने चाहिए, प्रॉपर हेयर होने चाहिए, हेयर कट कितने लेनी है किस तरह लेनी है ये आप ध्यान दीजिए, आपके नेल्स हो वो सही हो, जो शूज़ है वो पॉलिश हो, आपको फॉर्मल्स पहन रहे हैं तो फॉर्मल्स किस तरह के पहनते हैं ये तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो फॉर्मल्स ही आप पहन के जाए ये ज़्यादा प्रीफर करने की जरूरत होती है. आके हम देखते हैं कि जो इंटरव्यूअर देखता है अपीयरेंस के बाद वो पर्सनल केयर है, यानी आप इंटरव्यूअर के सामने हैं तो आपको हाइजीन अपनी मेंटेन करनी पड़ेगी, हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. यानी आपको स्नीजिंग है या फिर कुछ है तो आपको हाइजीन रहना, क्योंकि हाइजीन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी इंटरव्यू के सामने. बॉडी ऑडर यानी आपको बदबू आ रही शरीर से ये निगेटिव इम्पैक्ट डालता है, आप डीओ का यूज़ कर सकते हैं लेकिन आप ज़्यादा डीओ लगा लेंगे तो ये भी निगेटिव इम्पैक्ट डालता है, यानी आपको रीजनेबली हर चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी. दूसरा होता है कि स्मोक यानी अगर आप स्मोक करते हैं, तंबाकू खाते हैं, तो जो च्यूबिंग है और स्मोकिंग है या ड्रिंकिंग है ये आप हमेशा अवॉइड कीजिए इंटरव्यू के दौरान, क्योंकि अगर ये सबसे बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट डालता है माइंडसेट पर और आपका रिजेक्शन होने के चांसेस लगभग 90% है, आपको रिजेक्ट ही होंगे और मोस्ट प्रोबेबली आप रिजेक्ट ही होंगे. तो हाइजीन के साथ साथ स्मोक और ड्रिंक और च्यूबिंग इन सबको भी अवॉइड कीजिए. इसके अलावा जो हाथ होते हैं आपको साफ होने चाहिए, क्योंकि लोगों को आदत होती है वो हाथों पर लिख लेते हैं, तो ये भी निगेटिव इम्पैक्ट डालता है. अगर इंटरव्यूअर देखेगा आपके हाथों तो ये कहेगा ये खुद ही हाइजीन नहीं है, ये खुद ही इसको स्किल नहीं है इन सब चीज़ की,
तो ये क्या सक्सेसफुल बनेगा, इसलिए आप ये सब अवॉइड कीजिए। तीसरा आता है शो ऑफ कॉन्फिडेंस, प्रॉपर शो ऑफ कॉन्फिडेंस। तो आपका कॉन्फिडेंस कैसे झलकेगा? आपका कॉन्फिडेंस झलकेगा आई कॉन्टैक्ट से। आप हमेशा बेहतर आई कॉन्टैक्ट बनाए रखें इंटरव्यूअर के सामने या फिर इंटरव्यूअर्स के सामने। अगर एक है तो एक से, अनेक है तो सबके साथ बराबर। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है, आपका जो आई कॉन्टैक्ट है गेजिंग में यानी घूरने में ना तब्दील हो जाए। आपको एक बेहतर तरीके से आई कॉन्टैक्ट बनाए रखना है और अपनी बातें कॉन्फिडेंस के साथ कहनी है। दूसरा होता है, आप हमेशा जब बैठे तो स्ट्रेट बैठे। जैसे स्ट्रेट नहीं बैठेंगे, आप बेंड रहेंगे, तो वो ये क्या होगा, ये निगेटिव इम्पैक्ट डालता है माइंड सेट में। और निगेटिव ये क्योंकि मैं अगर सिंपली एक शब्द में कहूँ, इंटरव्यू है क्या? इंटरव्यू किसी व्यक्ति की पहचान या फिर व्यक्ति का वो एवेल्यूएशन नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व का है। यानी व्यक्ति का इम्तिहान नहीं है, व्यक्तित्व का इम्तिहान है। तो आपको अपने व्यक्तित्व को दिखाना है, तो आप हमेशा स्ट्रेट बैठे। ठीक है, स्ट्रेट बैठने से आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है कि हाँ ये बंदा, इसको बैठने की तमीज़ है। ठीक, इसके अलावा हम जानते हैं अलर्ट रहिए और लिसनिंग में, यानी आप जो सुन रहे हैं या फिर क्या बोल रहे हैं इसमें हमेशा अलर्ट रहिए। और बोलते समय आप हमेशा सही तरीके से बोलिए, एक पॉज लेके बोल सकते हैं आप, या बिना पॉज लिए मत बोलिए। और एक कोशिश कीजिए कि आप उसको इंटरप्ट मत कीजिए और लिसन कीजिए। यही हमारा अगला पॉइंट है, लिसन केयरफुली एंड डोंट इंटरप्ट। यानी शांति से सुने, धैर्यपूर्वक सुने, पेशेंट रहे सुने, और उसको बढ़िया से आप क्या कीजिए, इलोबरेट करके बताइए। यानी अपनी बातें इलोबरेट करके बताइए, लेकिन इंटरप्ट मत कीजिए। यानी इंटरव्यू अगर कुछ बोल रहा है तो उसको फिनिश करने का मौका दीजिए, फिनिश करने के बाद ही बोलिए। कोई भी इंटरव्यू चाहता है हमारे फिनिश करने के बाद ही वो बोले, दूसरा जो कैंडिडेट है वो बोले, रिस्पॉन्स दे। क्योंकि अगर आप इंटरव्यूअर को ही नहीं सुनेंगे तो आप उसके क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे? पूरे इंटरव्यू का प्रोसेस ये है क्वेश्चनिंग आंसरिंग का। तो अगर आप उसके क्वेश्चन को सही से नहीं सुनेंगे, बीच में ही आप उसका आंसर देने लगेंगे, तो ये गलत होता है। आपको प्रॉपर क्वेश्चन सुनना चाहिए, फिर माइंडसेट में एक रीजनेबल टाइम लेके फिर रिप्लाई करना चाहिए, माइंडसेट में एक फ्रेम बना के। ये एक प्रॉपर तरीका है। इसके बाद हमारा बॉडी लैंग्वेज भी कुछ कहता है। जो हम कहते हैं वो तो कहते ही है, यानी वर्बल पार्ट तो है ही, लेकिन नॉन वर्बल जैसे मैंने बताया 93% इम्पॉर्टेंट होता है, तो बॉडी लैंग्वेज 55% है। तो 55% पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आप कुछ कह रहे हो और बॉडी लैंग्वेज आपका कुछ और कह रहा है। मैंने पहले एग्जांपल दिया था, तो बॉडी लैंग्वेज भी कुछ कहता है, तो आपको बॉडी लैंग्वेज पे भी खासा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि आप जाते हैं, आप बैठते हैं, बैठने का तरीका जैसे मैंने बताया, आप स्ट्रेट बैठिए इस तरह। अगर आपको हाथ बनाना है तो आप हाथ इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से बना के आप मेज पर रख लीजिए, या तो आप पैर पर रख लीजिए, ये ज़्यादा प्रॉपर तरीका है। लेकिन आप ऐसे मत कीजिए या फिर ऐसे ऐसे मत कीजिए, ये गलत है। आप प्रॉपर ऐसे करके बैठेंगे, ठीक। इसके अलावा फिर छठा पॉइंट रहता है पोलाइट, यानी आप पोलाइटनेस झलकाइए। आप हमेशा पोलाइट रहिए इंटरव्यू के सामने, आप पोलाइटनेस को शो कीजिए। और कभी भी इंटरेस्ट मत जाने दीजिए, यानी ना आपका इंटरेस्ट जाए उसके पास से, ना उसका इंटरेस्ट। यानी आप दोनों लोग एक्टिव लिसनिंग कीजिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए इंटरव्यू को। इंटरव्यू का बोझ मत समझिए, इंटरव्यू को एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। और इन सब स्किलों पर ध्यान दीजिए जिससे आपका इंटरव्यू अच्छा हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, जो हर इंटरव्यू में काम आते हैं। इसके अलावा भी कई कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, लेकिन ये खासा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थे जिसे आपको ध्यान देने की जरूरत है। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।